लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होगा। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन हम लोगों ने कल के वीडियो में किया था, आज के क्लास में उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं अरस्तु का। और अरस्तु के विषय में हमारा आज का टॉपिक है अरस्तु के द्वारा किए गए सरकार का वर्गीकरण। बट इसकी भी बात हम लोग करना स्टार्ट करें। आपके अध्ययन के लिए एक बात बताना हम चाहेंगे, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो दर्शन पर पूर्णतया आधारित है, यह अवधारणा पर आधारित है, यह एक दृष्टिकोण और अप्रोच पर आधारित है। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए केवल तथ्यात्मक जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। आपके लिए आवश्यक है कि आप कुछ अपने विज़न को वाइड बनाएं और अप्रोच वाइज इसका अध्ययन करना शुरू करें, क्योंकि माना कि TGT के एग्ज़ाम में तथ्यों पर आधारित सवाल आपको अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं जो कि अवधारणा और कंसेप्ट पर आधारित रहता है। इसलिए और विशेष करके अगर आप UGC NET JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर या RPSC फर्स्ट ग्रेड के पेपर को अगर देखें, उसका अवलोकन करें, तो आपको मालूम होगा कि उसमें अवधारणाओं पर आधारित सवाल आता है। इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको तथ्य और अवधारणा को समझने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में अगर किसी भी चिंतक के चिंतन को आपको समझना है तो समझने के लिए आवश्यक है कि उसके समय की उन परिस्थितियों का आप अध्ययन कर लें जिस परिस्थिति में वो अपने विचार का प्रतिपादन कर रहा है। यदि आपने समस्या का अध्ययन कर लिया तो उसके सिद्धांत को जान जाएंगे, अथवा यदि आपने सिद्धांत को समझ लिया तो आप उसके समय की परिस्थिति को समझ जाएंगे। जैसे कल के हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने आपसे जिक्र किया था प्लेटो के न्याय सिद्धांत का। आपने एक समस्या देखा, समस्या क्या थी? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का होना। राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसलिए उसका मूल कारण क्या था और उस मूल कारण के बाद उन्होंने उसके समाधान के लिए क्या प्रयत्न किया, जो कारण होगा उसी के समाधान का जो प्रयत्न होगा वही एक सिद्धांत बन जाता है। इसलिए कार्य कारणवाद पर आधारित है संपूर्ण राजनीति विज्ञान। यह समस्या मूलक पद्धति के माध्यम से आप आसानी से इसको आत्मसात कर सकते हैं, इसमें रटने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग उसी क्रम में आज बतलाने आपको चल रहे हैं कि प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भले ही किया गया, लेकिन राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु इसलिए भी है क्योंकि उसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया और नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को पृथक कर दिया। इसका अर्थ यह है कि इसके पूर्व तक राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं था, यह एक सामाजिक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र के अंतर्गत, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, मनोविज्ञान के साथ या ज्योतिष विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या अनेक सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में इसको भी देखा जाता था। लेकिन अरस्तु एक ऐसा चिंतक है जिसने राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र आकार और विषय का दर्जा दिया, बल्कि इनके द्वारा इस बात को भी कहा गया कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोत्तम विज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत आता है। विज्ञान के जितने भी नियम कानून हैं वो सब राजनीति विज्ञान में बखूबी दिखलाई पड़ते हैं। आपको एक बात और भी जानने की आवश्यकता है कि अरस्तु एक ऐसा चिंतक है जो राजनीति विज्ञान का ही नहीं बल्कि जीव विज्ञान का भी पिता है। अनेक बातों को उसने किया, हम लोग किसी और वीडियो में इस बात का जिक्र करेंगे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहने के कौन और आधार हैं। आज चूंकि हम लोगों के विषय का टॉपिक है अरस्तु के द्वारा संविधान और सरकार का वर्गीकरण, तो हम लोग आज अपने इसी टॉपिक को कंसंट्रेट कर रहे हैं।
आइए सबसे पहले एक बात को समझ लें कि अरस्तु के द्वारा एक किताब लिखा गया था जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और इसने सर्वप्रथम पोलिटिया शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजी में वह कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने का प्रयास कर रहा है अरस्तु के द्वारा इसको बतलाने का प्रयास किया गया। यहाँ आपके परीक्षा के दृष्टि से एक स्मरणीय तथ्य है कि राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। परंतु राजनीति विज्ञान का नामकरण या इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जाता है विलियम गॉडविन। अब यहाँ पर अरस्तु ने सोचा कि सबसे पहले जब कुछ राजनीति विज्ञान के सिद्धांत आ गए हैं तो क्यों ना उनको नियम और कानून की परिधि में बांधा जाए। नियम और कानून की परिधि में बांधने के लिए संविधान की सर्वप्रथम परिभाषा दिया अरस्तु ने। इसलिए आपके एग्जाम में अगर यह सवाल आता है कि संविधान की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था तो आपका उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि संविधान जीवन का एक क्रम है। संविधान क्या है? जीवन का एक क्रम है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ संविधान की एक अन्य परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई। इनके द्वारा कहा गया कि संविधान राज्य की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा पदों का आवंटन किया जाता है और इसमें भी विशेष करके उच्च पद को। अर्थात यहाँ पर संविधान की यह परिभाषा इस बात पर आधारित है कि राज्य पदों का वितरण करता है और विशेष करके उच्च पदों का वितरण करता है। तो वह वितरण किस आधार पर होगा? इसका आधार उसने अपने अगले सिद्धांत में बतलाया है जिसको न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत कहते हैं। उसमें इसने कहा है कि इसका वितरण आनुपातिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। संविधान के इस प्रकार से सर्वप्रथम परिभाषा देने का काम किसने किया? अरस्तु ने। अब यहाँ पर अरस्तु के द्वारा अपने संविधान सरकार का वर्गीकरण करने से पूर्व तत्कालीन यूनान के 158 नगर राज्य के
नगर राज्य के संविधानों का अध्ययन किया गया। संविधानों का अध्ययन किया गया। अरस्तु के इस अध्ययन को ऐतिहासिक पद्धति कहा जाता है। अरस्तु के इस अध्ययन को क्या कहते हैं? अरस्तु के इस अध्ययन को ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। इसके आधार पर राज्य सरकार और संविधान तीनों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हुए अरस्तु ने कहा कि जब सरकार में परिवर्तन होता है तो यह राज्य का भी परिवर्तन हो जाता है या राज्य मृत हो जाता है। सरकार के पुनः गठन होने पर राज्य जीवित हो जाता है। राज्य संप्रभु संस्था है लेकिन इसके बाद भी सरकार के द्वारा ही इसका संचालन होता है। इतनी बात को कहने के बाद अरस्तु ने संविधान या सरकार का वर्गीकरण करने का प्रयत्न करता है। सरकार या संविधान के वर्गीकरण में अरस्तु के द्वारा इस वर्गीकरण में अरस्तु के द्वारा दो बातों का को आधार के रूप में निर्धारित किया गया। एक है जिसको कहा जाता है संख्या और दूसरा है उद्देश्य। हमारे एग्जाम में आपको सवाल आता है कि अरस्तु ने संविधान के या सरकार के या राज्य के वर्गीकरण में किसको आधार बनाया है, तो पहला है संख्या और दूसरा है उद्देश्य। इसमें संख्या का आशय यह होता है कि शासन सत्ता कितने व्यक्तियों में निहित है, और उद्देश्य का अर्थ होता है कि उस शासन प्रणाली का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वयं का हित है। अगर सार्वजनिक हित है उसका उद्देश्य, अरस्तु उसको उत्तम शासन कहता है, और यदि निजी अगर इसमें शासक का निजी स्वार्थ है या अपना स्वयं का हित है तब उसको वह विकृत शासन कहता है। इसी क्रम में अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम बतलाया गया कि यदि शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति में निहित है और यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित है तो उस शासन प्रणाली को हम राजतंत्र कहते हैं। लेकिन अगर यह राजतंत्र आपने केवल शासक वर्ग के हित पर आधारित हो जाए, यदि यह केवल शासक वर्ग के हित पर आधारित हो जाए तो अरस्तु ने कहा कि यह विकृत हो जाता है और इसको निरंकुश तंत्र कहते हैं। कहीं कहीं आपको आततायी तंत्र भी मिलता है। आततायी तंत्र में यह परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कहा कि अगर कुछ व्यक्तियों में यह शासन सत्ता निहित है तो वह कुलीन तंत्र होगा, परंतु शर्त यह है कि उसका हित क्या होगा, सार्वजनिक हित, इसलिए यह कुलीन तंत्र कहलाता है। परंतु यदि यह शासन प्रणाली शासक वर्ग के हित पर आधारित हो जाए तो उसको अरस्तु ने धनिक तंत्र के रूप में वर्णित किया। कहीं कहीं यह वर्ग तंत्र भी आपको दिखलाई पड़ता है कि धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र में यह परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है कि यदि शासन सत्ता बहुतों में निहित है और उसका उद्देश्य है सार्वजनिक हित, तो उसको अरस्तु ने पॉलिटी या संयत लोकतंत्र कहा। परंतु यदि इसका उद्देश्य स्वयं का हित हो जाए, शासक वर्ग स्वयं अपने स्वार्थ पर आधारित हो जाए, तब इसको उसने भ्रष्ट लोकतंत्र या भेड़ तंत्र के नाम से संबोधित किया। यहाँ पर अरस्तु के द्वारा इन तीन प्रणालियों को उत्तम शासन कहा गया
इसने कहा कि यह तीन शासन उत्तम शासन है, जबकि यह तीन शासन विकृत शासन है। अर्थात वह शासन प्रणाली अरस्तु के अनुसार उत्तम है जो सार्वजनिक हित या जनता के हित पर आधारित हो, और वह शासन प्रणाली विकृत है जो कि शासक वर्ग के हित पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है। इसके साथ साथ अरस्तु के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि सरकार की ये विभिन्न शासन प्रणालियां साइकिल के पहिए की भांति, कहा कि ये साइकिल के रिंग की भांति या साइकिल के पहिए की भांति निरंतर गतिशील रहती है। ऐसा नहीं है कि एक शासन प्रणाली आई और वही अपने स्थान पर रुक जाएगी, बल्कि एक आई है तो उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। इसी आधार पर अरस्तु ने कहा कि जैसे सर्वप्रथम राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद यह विकृत हो गया, तब यह नरंकुश तंत्र बन गया, पुनः इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई तो यह कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो गया, आगे इसकी फिर प्रतिक्रिया हुई तो यह वर्ग तंत्र में विकृत हो गया, और आगे यह प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पॉलिटी आ गया, और पॉलिटी के बाद यह लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ, और विकृत लोकतंत्र पुनः राजतंत्र में। यह क्रम निरंतर चलता रहता है, इतिहास इस बात का प्रमाण है। ऐसा बतलाने का प्लेटो ने अरस्तु के द्वारा प्रयत्न किया गया। यद्यपि यह वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है, परंतु आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अरस्तु से पूर्व प्लेटो के द्वारा भी एक वर्गीकरण ऐसा किया गया, परंतु उसने इसका आधार संख्या और उद्देश्य को न बनाकर बनाया था कि विधि सम्मत शासन प्रणाली और विधि विहीन शासन प्रणाली। विधि सम्मत शासन प्रणाली को प्लेटो के द्वारा कहा गया कि यह उत्तम शासन प्रणाली है, और विधि विहीन शासन प्रणाली को उसने कहा कि यह विकृत शासन प्रणाली है। इस प्रकार से अरस्तु ने बतलाया कि शासन की ये विभिन्न प्रणालियां क्रमशः निरंतर गतिशील रहती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि अरस्तु के द्वारा जिस सरकार, संविधान और राज्य का वर्गीकरण किया गया, उसकी आलोचना के आधार क्या है। पहला आधार है कि इसने जिस संख्या और उद्देश्य को आधार बनाया, वर्गीकरण का आधार ही इनका अवैज्ञानिक है। अरस्तु के द्वारा जिस आधार पर वर्गीकरण किया गया है वह अवैज्ञानिक है, क्योंकि यह सर्वमान्य नहीं है। संख्या और उद्देश्य के आधार पर ही इसका वर्गीकरण करना उपयुक्त नहीं है। यह इनकी मनगढ़ंत कहानी है, यह एक काल्पनिक अवधारणा है। अरस्तु के मन में आया और आलोचकों ने कहा, उसने इसको लिख डाला है। दूसरा, कहा कि अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र यह विकृत शासन है, जबकि वर्तमान में यह विकृत न हो करके सर्वमान्य और उत्तम माना जाता है। इसको सर्वमान्य शासन और उत्तम शासन कहते हैं। अरस्तु के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी, और हमारे गुलाम में यह सवाल आता है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, किसने कहा था? यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु के द्वारा इस बात को कहा गया कि यह मूर्खों का शासन है। इसकी आलोचना का एक अन्य आधार यह भी है कि इसने शासन प्रणालियों को ना साइकिल के पहिए की भांति गतिशील बतलाया है, जिसका अर्थ है कि पहले राजतंत्र आएगा, फिर कुलीन तंत्र आएगा, वर्ग तंत्र आएगा, पॉलिटी आएगा और लोकतंत्र आएगा। यह क्रम निरंतर चलता रहता है,
परंतु इतिहास में इस बात की प्रामाणिकता मिलती है कि राजतंत्र के बाद सीधे ही लोकतंत्र आ गया है, इसलिए अरस्तु का यह कथन भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। बहरहाल अगर हम लोग बात करते हैं कि अरस्तु की सरकार के वर्गीकरण के आलोचनाओं के आधार भी तर्कसंगत हैं, लेकिन इसके बाद भी अरस्तु के द्वारा जिस सरकार का वर्गीकरण किया गया उसका महत्व इस बात में है कि उसने इसके वर्गीकरण का महत्व इस बात में है कि अरस्तु ने उसको उत्तम शासन माना जो जनता के हित पर आधारित होगा, और उसको विकृत माना जो कि शासक वर्ग के स्वयं के हित पर आधारित होगा, और अरस्तु का यह कथन आज भी मान्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरस्तु के द्वारा सरकार का जो वर्गीकरण किया गया, बाद के जितने भी चिंतक आए, आधुनिक काल के जितने भी चिंतक हैं, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, जेएस मिल, बेंथम या कोई भी अन्य विचारक, अरस्तु के विचारों से प्रेरित है और अपने वर्गीकरण में किसी न किसी रूप में इसको आधार के रूप में बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरस्तु का महत्व इस बात में भी है कि इसने पॉलिटी को उत्तम माना था, जो मूलतः धनिक तंत्र और भ्रष्ट लोकतंत्र को के दोषों को भ्रष्ट लोकतंत्र के दोषों को दूर कर देता है, और इस दूर करने का कारण है कि अरस्तु का मानना था कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली वह है जिसमें शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में हो। इसलिए हमारे एग्जाम में यह सवाल भी आता है कि मध्यम वर्ग के हाथ में शासन सत्ता का समर्थन किसने किया, तो मध्यम वर्ग के हाथ में शासन सत्ता का समर्थन अरस्तु के द्वारा किया गया। देखिए, ये तो हम लोगों के आज के क्लास का अरस्तु के सरकार के वर्गीकरण का सिद्धांत था। हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में निरंतर 7 बजे प्रातः जो स्टार्ट हुआ है उसमें लगातार वही बातें आपसे कर रहे हैं जो कि हमारे ऑफलाइन क्लास में चलता था। तो आपके लिए ये उत्तम है, आप घर बैठ करके हमारी संपूर्ण क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और संपूर्ण डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। हम लोगों का आज का यह क्लास यहाँ तक था। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, और आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को।